हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक की वॉर सोनेट द सोल्जर, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 में लिखा गया है। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो कि एक ऑक्टेट यानी 8-line स्टैंजा और एक सेस्टेट यानी कि 6-line स्टैंजा में डिवाइडेड है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ जी ई एफ जी। फ्रेंड्स, ये एक पैट्रियोटिक पोएम है जिसमें देश प्रेम की भावना है। इस पोएम का पोएट एक सोल्जर है जो जंग के मैदान में अपने देश इंग्लैंड को याद कर रहा है। फ्रेंड्स, रूपर्ट ब्रूक का पूरा नाम रूपर्ट चॉनर ब्रूक है। उनकी बर्थ 3 अगस्त 1887 में हुई थी और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1915 में हुई थी। ये एक इंग्लिश वॉर पोएट के साथ ही एक सोल्जर भी थे। इनकी फेमस पोएम्स में द सोल्जर, द डेड, द ओल्ड वाइकारेज आदि शामिल हैं। ये अपने गुड लुक्स के कारण भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। डब्ल्यू बी येट्स ने इन्हें द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम पर आते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, यानी अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बारे में बस इतना सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, यानी कि जिस ज़मीन पर मैं मरूंगा वो भले ही इंग्लैंड से बहुत दूर हो, पर मेरे मरने पर जहां मुझे दफनाया जाएगा वो ज़मीन इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, और वो मिट्टी जो है वो और भी ज़्यादा कीमती और उपजाऊ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ पर दफनाया जाएगा। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, वो मिट्टी जो इंग्लैंड में जन्मी है और जिसे इंग्लैंड में आकार मिला है। यहाँ पोएट अपनी बात कर रहा है। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम। अब पोएट देश को याद करके बोल रहा है कि मेरे देश ने मुझे वो फूल या वो पौधे दिए हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और उसने मुझे घूमने की आज़ादी दी है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, यानी मेरा शरीर जो है वो मेरे देश इंग्लैंड का है और मैं वहाँ की हवा में ही सांस ले रहा हूँ। वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और इंग्लैंड की जो नदियाँ हैं उनमें मैं नहाया हूँ और उन्होंने मुझे साफ किया है, और वहाँ जो सूरज निकलता है उसने मुझे आशीर्वाद दिया है। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पोएट अपने देश को बहुत मिस कर रहा है क्योंकि वो अपने देश से बहुत ही दूर युद्ध लड़ रहा है। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल ईविल शेड अवे, और सोचो एक ऐसा तरीका जिससे मेरे इस दिल में जो भी बुराई है वो दूर हो जाए। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, और मेरी जो चेतना यानी कि जो मेरा कॉन्शियसनेस है, मैं जो होश में हूँ, वो मरने के बाद भी मेरी ये जो चेतना है वो ऐसे ही चलती रहे। गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और मुझे जो सोच इंग्लैंड ने दी है, मेरे देश ने दी है, वो मैं वहाँ के लोगों को वापस कर दूँगा। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और यानी कि वो जो नज़ारे और जो आवाज़ें मेरे देश ने मुझे दी है और वो सपने जो मेरे देश की तरह खुशियों से भरे हुए हैं, उन्हें भी मैं वापस कर दूंगा। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और वो हंसी जो मैंने अपने दोस्तों से सीखी है उसे भी वापस कर दूंगा, और आखिर में मैं वहाँ की जो कोमलता है उसे भी वापस कर दूंगा। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और वो जो कोमलता है वो मेरे देश के लोगों के मन में है, और फिर जब मैं मर जाऊँगा इन सारी चीज़ों को वापस करने के बाद तो मैं एक इंग्लिश हेवन में चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम द सोल्जर,
इस पोयम में हमें ये पता चलता है कि पोएट अपने देश से कितना प्यार करता है, और भले ही वो अपने देश से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो अपने देश से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी पोयम। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।